दीदी आप घर पे हैं? दीदी। अरे हाँ ज्योति, आ जाओ। नमस्ते दीदी, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो, कैसे आना हुआ? दीदी मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप सबको इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी देते हो, दीदी मुझे भी कुछ अच्छी सी रेमेडी दो ना। दीदी मेरे बाल बहुत जल्द सफेद हो गए हैं देखिए ना, और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है क्लास में सभी बच्चे मुझ पे हंसते हैं। मुझे ये पतले बाल लंबे करने हैं दीदी, मुझे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज कोई रेमेडी दो ना जिससे मेरे बाल बहुत जल्द लंबे हो जाएं। और आपको पता है दीदी, कभी कभी तो मेरे बालों में बहुत सारी जुएं भी पड़ जाती हैं। कोई अच्छी सी रेमेडी बताओ ना दीदी प्लीज। अच्छा पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम अपने बालों की देखभाल कैसे करती हो, अपने बालों को कितने बार धोती हो और कौन सा तेल लगाती हो? दीदी मैं हफ्ते में एक बार बालों को अच्छी तरह से धो लेती हूँ, और बालों में मैं सरसों के तेल से मालिश करती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है सरसों के तेल बालों में लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। लेकिन दीदी मेरे बाल तो लंबे होते ही नहीं है, और पता है मेरे बालों में बहुत चिपचिपाहट सी और बदबू भी आती है। प्लीज बताओ ना क्या करूँ। अच्छा तो मैं तुम्हें एक रेमेडी देती हूँ, तुम उसे अपने बालों में लगाओ। हाँ रुको एक मिनट, ये लो, इसे अपने बालों में 2 बार हफ्ते में जरूर लगाना। इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है दीदी, मैं इसे हफ्ते में 2 बार जरूर लगाऊंगी। फिर आपको बताती हूँ कि मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम मेरी बालों की सॉल्व हो गई है। थैंक यू दीदी। तो दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हैं मैंने इस रेमेडी के अंदर क्या क्या मिक्स किया है? तो चलिए रेमेडी शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम जटामासी का यूज करेंगे। जटामासी एक बहुत ही पुरानी जड़ी बूटी है, जिसे स्पाइनेट नाम से भी जाना जाता है, स्पाइनेट नाम से भी उसे पुकारा जाता है, उसे कहा जाता है। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि मुझे ये कैसे खरीदनी है, हम इसे कैसे परचेज कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन लिंक जो है दोस्तों, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। एक छोटा सा पैकेट इसका आता है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों जटामासी बहुत चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। जटामासी को हम आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है, उसके उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होती है, उसे भी ठीक करती है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों को काला करते हैं, लंबा करते हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बालों को झड़ने से रोकने में हमारी बहुत बहुत हेल्प करते हैं। तो हेयर लॉस को ये कम करते हैं। इसके रेगुलर यूज़ से हमारे गंजेपन का प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। तो हमें जटामासी जो है वो ज़रूर लेना है, और जटामासी का हमें पाउडर मिलेगा दोस्तों, जो मैं नीचे ऑनलाइन लिंक दूंगी, वो एक पाउडर फॉर्म में आपके पास आएगा। हमने उस पाउडर फॉर्म को यूज़ करना है, जिससे हम अपने बालों को लंबा, घना और मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों जटामासी की हमने 4 चम्मच लेने हैं। 4 चम्मच जटामासी पाउडर के आप ले लीजिए, उसके अंदर आपने 4 चम्मच हीना मेहंदी आप डालिए, यानी कि लाल मेहंदी। आप अगर कोई और कंपनी की खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो 4 चम्मच आपने इसके अंदर हीना मेहंदी यूज़ करनी है। और अब दोस्तों हमने इसके अंदर 3 चम्मच कड़ी पत्ता पाउडर, कड़ी पत्ता अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो कड़ी पत्ता पत्ता जो है उसे आप धूप में सुखाएं और फिर उसका पाउडर बना लीजिए। हमने 3 चम्मच कड़ी पत्ता पाउडर के लेने हैं। कड़ी पत्ता पाउडर दोस्तों हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है, और दोस्तों ये हमारे बालों को झड़ने से बहुत रोकता है। तो झड़ने से रोकने के लिए हम इस रेमेडी के अंदर कड़ी पत्ता का यूज़ करेंगे। तो कड़ी पत्ता 3 चम्मच हमने इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। तो अब दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे ऐसा मेन इंग्रेडिएंट जो हम कभी भी किसी रेमेडी को बनाते हुए बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो मैं 1 चम्मच कलौंजी इसका लूँगी दोस्तों, ब्लैक सीड भी जिसे कहते हैं। तो कलौंजी मैंने ले लिया है। कलौंजी हमारे रूट्स को, हमारी जो जड़ें हैं बालों की, उन्हें मजबूत करता है। तो कलौंजी लेना बिल्कुल मत भूलें। अब दोस्तों हम इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई पाउडर बालों को झड़ने से बचाता है और हमारे बालों को पोषण देता है,
और एक चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे रीठा पाउडर. दोस्तों रीठा पाउडर जो है बालों को स्ट्रॉन्ग शाइनी मजबूत बनाता है, बालों को नेचुरल तरीके से काला करता है, जड़ों से काला करता है. यानी कि आपके जैसे ही बाल नए नए आने शुरू होंगे वो वाइट नहीं आएंगे, ब्लैक आएंगे. तो आंवला अगर आप खा सकते हैं तो खाइए भी, खाना भी आपकी सेहत के लिए आंवला बहुत बेनिफिशियल होता है. और जब ये रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे भी इस्तेमाल में करें. तो आंवला खाने और लगाने दोनों के काम आ जाता है, तो उसे यूज़ ज़रूर कीजिएगा. अगर आप इंटरनल भी हेल्दी होना चाहते हैं और बाहर से भी हेल्दी होना चाहते हैं तो आप इसे खाएं भी और लगाएं भी, बहुत परफेक्ट चीज़ है. तो दोस्तों अब हम इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. अब मैं आपको बताती हूँ आपने मिक्स किस चीज़ के साथ करना है इसको. दोस्तों आपने एक सॉल्यूशन तैयार करना है. सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, चार जो ग्लास हैं पानी के आपने गर्म रख देने हैं, बॉईल करने हैं. तो जब आप बॉईल करेंगे पानी को तो उसके अंदर आपने डाल देने हैं 20 से 25 नीम की पंखुड़ियाँ, नीम की पत्तियाँ, यानी कि नीम के पत्ते, नीम लीव्स आपने उस पानी के अंदर डाल देने हैं. प्रॉपरली और अच्छी तरह से उसे गर्म कर देना है. जब आप देखेंगे कि पानी का कलर जो है वो ग्रीन आना शुरू हो गया है तो आपने गैस को बंद कर देना है. और दोस्तों उस पानी को आपने ठंडा होने के लिए रख देना है. जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तो आपने इस पानी की मदद से अपने इस हेयर पैक को, हेयर पेस्ट को बना लेना है. तो दोस्तों अभी मैं बताती हूँ आपको कि नीम क्या यूज़ करता है, नीम करता क्या है. एक्चुअली में नीम एक तो सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है और यू नो प्रीति ने भी पूछा है कि जो नीम है वो हमारे बालों में डैंड्रफ को तो ख़त्म करता ही है, उसके साथ साथ दोस्तों जुओं को दूर करने में, जुए लीख अगर आपके बालों में पड़ गई है, आपके सिर में पड़ गई है, तो उसे रिमूव करने में बहुत बेनिफिशियल है. अगर आप इस पानी से अपने छोटे बच्चों को भी नहलाते हैं, 3-4 साल के ऊपर के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उन्हें अगर आप हर रोज़ डेली नहलाते हैं तो इस पानी से ज़रूर नहलाइएगा. ये बहुत बेनिफिशियल है, आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी सेहत देता है और बहुत बढ़िया बनाता है. तो दोस्तों नीम यूज़ ज़रूर कीजिएगा. इसके साथ साथ ये एक्ने पिंपल्स को भी दूर करता है. तो हमने नीम पेस्ट, नीम की पत्तियाँ जो है हमने वो यूज़ करनी है, वो इसके अंदर डाल देनी है और इस पेस्ट को तैयार करके पूरी रात रखना है. अगर आप दिन में रख सकते हैं तो आप इसे 3-4 घंटे तक रखें. अगर आप रात में रख सकते हैं तो आपने इस सॉल्यूशन को, यानी कि इस पेस्ट को, इस मेहंदी के इस पेस्ट को बनाकर रख लेना है और वीक में 2 बार आपने इसे यूज़ करना है. याद रखिएगा जब भी हम इसे यूज़ करें तो आपने दोस्तों कभी भी इसे बनाकर नहीं रखना है, बनाकर मत रखें, इसे ऐसे ही आप यूज़ करें, फ्रेश बनाएं, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. अब दोस्तों आपने इस हिना मेहंदी को, इस पैक को, इस सॉल्यूशन को अपने बालों में प्रॉपरली जड़ों से लेकर नीचे तक बालों तक प्रॉपरली इसे अप्लाई कर लेना है. अपने बालों में इसे लगाकर छोड़ दें. आपने 4 घंटे तक आपने इसे अपने बालों में लगाना है. एक बार और बता दूं दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे हैं, काफ़ी ज़्यादा रूखे हैं और सन रेज की वजह से वो काफ़ी रूखे हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा यू नो आपको लगता है बहुत खुरदरे से हो गए हैं, तो आप इसमें 2 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं. दही ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं तो. और इस पेस्ट को 4 घंटे तक आपने अपने बालों में लगा कर रखना है. कम से कम 4 घंटे ज़रूर लगाएं. 4 घंटे लगाने के बाद दोस्तों आपने अपने बालों को हल्के गुनगुने पानी से या फिर ठंडे पानी से धो लेना है, वॉश कर लेना है. याद रखिएगा दोस्तों आपने अपने बालों में शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है. शैम्पू करने से जो बालों का पोषण है वो ख़त्म हो जाता है. ये रेमेडी आपके बालों में धोने के बाद भी वर्क करती है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इसे अपने बालों में लगा कर ही रखें, बालों में शैम्पू अप्लाई ना करें. शैम्पू में केमिकल होता है जिसकी वजह से इसका जो असर है मेहंदी का वो कम हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का जो असर है बालों में ख़त्म हो जाएगा. तो आपने जो शैम्पू है अपने बालों में नहीं यूज़ करना, वो आपने अगले दिन यूज़ करना है, नेक्स्ट डे यूज़ करना है. तो अगर पूरी रात ये रेमेडी आपके बालों में वर्क करती रहेगी, इससे आपके बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बाल जो नए आएंगे वो काले ब्लैक आना शुरू हो जाएंगे. तो जो स्कूल स्टूडेंट हैं प्लीज़ उनको ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, तो वो इसे यूज़ ज़रूर कीजिएगा. लेडीज़, बॉयज़, जेंट्स, गर्ल्स सभी इसे यूज़ कर सकते हैं. मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, 15 साल के बाद जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टीनेजर हैं, वो इसे यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि उनके लिए यू नो
में छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होना बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्हें ये कंट्रोल में करेगा। आप इसे अप्लाई करके बालों में यूज़ करें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट बार में मुझे लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके पूरी ये रेमेडी एक आर्टिकल के रूप में लिखी हुई है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अपने बालों को, सफ़ेद बालों को ब्लैक बनाएं, नेचुरल तरीके से ब्लैक बनाएं। इसमें आपको कोई केमिकल नहीं मिलेगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके बालों में नहीं होगा। तो इसे अप्लाई करें, यूज़ करें दोस्तों। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइस, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वेबसाइट पे चेकआउट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन और मैसेज आपसे स्किप ना हो पाए। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी नई वीडियो नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।